नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी की का इकाई 2 का 9वां अध्याय जिसका नाम है मेरे पिताजी, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म के बारे में, उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 27 नवम्बर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 1907 को हुआ और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उसी के साथ उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धारा के इधर उधर आदि, ये जो है सभी कविता संग्रह है। और क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, फिर दूसरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, ये सभी आत्मखंड के आत्मकथा के चार खंड है। अब जो गद्य उन्होंने लिखा है उसके संबंध में हम जान लेते हैं। इनके यह एक आत्मकथा है जो कि इन्होंने लिखी है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। आत्मकथा मतलब स्वयं के बारे में जब वो लिखी जाती है, अपने विचार या अपने घटनाओं को जब लिखा जाता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। यहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी का वर्णन किया है, इसीलिए इस अध्याय का नाम है मेरे पिताजी। तो हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने के आदब, विनम्र निश्चल व्यवहार से बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो प्रेस थी वहाँ पे जो प्रताप जी काम करते थे वो बड़े समय के पाबंद थे, काम में बड़े ही निपुण थे और वो अपना काम करने के बावजूद अपने जो कलीग होते थे उन लोगों का भी काम कर देते थे। उसी के साथ में वह पैसे की अहमियत जानते थे, इसलिए वो हमेशा उसे बचाते थे और साइकिल पे भी नहीं आते जाते थे, वो पैदल ही आना जाना पसंद करते थे। आगे है, दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई। वो जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए, काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपली टोपी। जोड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना उन्हीं गुलू बंद उनके गले में पड़ा रहता। दफ्तर से बाहर गुलीबंद मतलब जो वो पहनते हैं ना ठंडियों के दिनों में, ठीक है, गले में ऊन से बना हुआ वो। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते थे तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में ही नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो यहाँ पर वो अब एक घटना घटी हुई बता रहे पिताजी के बारे में। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पाँव आगे बढ़े।
उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? दो दिन चार दिन, पांचवे दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुस्लिम के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। इस प्रकार से पिताजी ने अपने बहादुरी का परिचय भी दिया और बहुत अच्छे से समझदारी और एकता का यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया। आगे कहते हैं कि पिताजी की बातों का असर हुआ, उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नियमितिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते, गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी, दीवार से राम कृष्ण शिव गणेश हनुमान सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुक कर उस कोठरी में जाना होता तो अब वे उसमें बैठ जाते थे। बस इतनी ही जगह बस्ती के सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ पड़ी खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना ही कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान है। पाठ वे सोसर करते थे, उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ सप्राण लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की ही है और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सोरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सोरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता हूँ क्यों न हूँ, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। है ना, बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों भी ना बड़ों का आचरण करने लगते हैं। अब उनके पिताजी ही बहुत अच्छे धार्मिक थे तो बच्चे में भी कुछ ना कुछ गुण आते हैं, है ना, तो वो लेखक में भी वो गुण थे। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। जब मैं ऐसा पूछता कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी, इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था अवधी भाषा में मानस की शैली में, है ना। तो बचपन की बातें भी जो होती हैं वो हमारे जीवन में हमेशा काम करती हैं। अज्ञात रूप से मेरे अवेचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शीरा शीरा मानस की दुनिया से भीगी हुई थी, है ना। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे। जो अवधि से कविता सोसर पढ़ने का मुझे भी शौक है। वज्र और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सोसर अखंड पाठ मैंने कई बार
किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं, अर्थात मनुष्य को जिस भाषा में जिस किसी में भी आनंद आता है वो बहुत ही अच्छे से कर लेता है, उसी प्रकार लेखक भी थे। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरती हुई अधिक लगती है, कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। आगे कहते हैं, पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर से देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और तब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता वो भी भोजन ना करती। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात कही है। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दीदी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसी खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वह प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पड़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी, और रात को भी वे 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। देखिए कितनी अच्छी बात है। कहते हैं ना, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तभी तो मैं कहता हूँ उन्हें का चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को वो चाहे जितनी देर से सोए, उठते वे सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी नींद का काम करती है। अर्थात अगर हम कम समय भी सोए मगर अच्छी नींद ले तो हमारी नींद का काम पूरा हो जाता है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार करवाया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस संभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। लेकिन कहते हैं कि किसी कारणवश उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वह इस प्रकार से कह रहे हैं। समय की पाबंदी की जो उत्कंठता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और वह पायरिनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली, है ना, जैसे पुरानी घड़ी वो खरीद कर लेके आए। यह घड़ी भैया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे कभी याद नहीं आई। घड़ी साज आता सुधारने के लिए। तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है, मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं अब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है।
हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं, कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करती है, न केहू का आराम करे देती है। अर्थात ये बिहार की भाषा है कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करत है, न केहू को आराम करने देते। उसका नाम आराम मतलब आराम घड़ी है, पर वो न खुद आराम करती है, न दूसरों को करने देती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया करते हैं कि यह एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया हो गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ से ये जो थी लेखक ने ये अपने पिताजी की बातों को लिखा हुआ है, अपने पिताजी के बारे में कि वो कितने अच्छे से आचरण करते थे, उनके कितने अच्छा प्रभाव उनके बच्चे पर गिरा है, अच्छा लेखक पे गिरा है। तो इसी के साथ में आपका जो ये अध्याय है मेरे पिताजी समाप्त होता है।